तो डीमन एम्परर के इस एपिसोड में हम देखते हैं, हमें बताया जाता है कि द मैजिक ऑफ हेवनली डीमन, ये इस मेथड को इस्तेमाल करने से आप रिफाइनिंग मटेरियल को अपनी बॉडी में ला सकते हैं और एक अनडिफिटेबल मैन बन सकते हैं। और जब ये मेथड प्रैक्टिस किया जाता है, बॉडी की सारी हड्डियां आयरन जैसी बन जाती हैं। पर रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि जो भी मटेरियल यूज़ किया जाता है वो आपकी बॉडी से मर्ज हो जाता है, और ये ऐसा है जैसे हजारों तलवारें स्किन में घुसाई जा रही हों, और यह मौत से भी हजारों गुना ज़्यादा पेनफुल है। और फिर हम देखते हैं एम्परर को, जिसे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और उसके चारों तरफ डायमंड क्विकसैंड होता है। और इस प्रोसेस का फर्स्ट लेवल होता है रिकन्स्ट्रक्टिंग द मसल, और फिर डायमंड क्विकसैंड एम्परर की बॉडी में जाने लग जाता है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर वो सोचता है रिफाइनिंग मेथड में पहले पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर से एक नई बॉडी बनती है, और अंदर और बाहर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसे डायमंड क्विकसैंड रिप्लेस कर देता है। और जब ये पूरा हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल एक डायमंड की तरह हो जाएगी, पर यह बहुत ही दर्दनाक है और इस दर्द को सहन नहीं किया जा सकता है। पर अगर मुझे निंग को बचाना नहीं होता, मुझे पता हो के भी कि ये बेस्ट मेथड है, फिर भी मैं इसे नहीं करता, ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फ टॉर्चर है। और फिर कुछ वक्त के बाद उसकी स्किन बहुत सी जगह से फट चुकी होती है, और इसका सेकेंड लेवल होता है रिकन्स्ट्रक्टिंग द बोन्स, और फिर डायमंड क्विकसैंड उसकी हड्डियों में जाने लग जाता है और उसे इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसकी बॉडी नम पड़ने लग जाती है। और वो सोचता है अगर मैंने अभी चिल्लाया तो मैं इस दर्द को सह नहीं पाऊंगा और मैं फेल हो जाऊंगा और मारा जाऊंगा। और मुझे नहीं पता कि 9 डीमन एम्परर्स ने इसे अपने ऊपर ट्राई किया है या नहीं, पर मुझे यकीन नहीं होता कि बॉडी को रिफाइन करने के लिए इतनी ज़्यादा क्रूअल मेथड हो सकता है। और अब अगली चीज है, और तभी उसकी हड्डियाँ बिल्कुल ही चूरा बन जाती हैं और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और उसकी आंखें बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाती है। और फिर वो बोलता है अब है लास्ट स्टेप बॉडी को रिफ्रेम करना, और इसलिए मैं अभी हार नहीं मान सकता हूँ। और अब थर्ड लेवल है रिकन्स्ट्रक्टिंग दी ऑर्गन्स, और फिर डायमंड क्विकसैंड उसके इंटरनल ऑर्गन्स में घुसने लग जाती है और वहाँ चारों तरफ खून ही खून हो जाता है। एम्परर बोलता है मैं बच तो गया, अब बारी है बॉडी को रिऑर्गेनाइज करने की। और फिर डायमंड क्विकसैंड उसके ब्रेन में घुसने लग जाती है, जिससे उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगता है। और फिर वो सोचता है और इसका फाइनल स्टेप है सोल को रिफ्रेम करना, और जब सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी सारी फॉर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये बहुत ही दर्दनाक है, और जैसे ही मेरा दर्द बढ़ते जा रहा है मेरी आंखें धुंधली होती जा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सोल धीरे धीरे मिटती जा रही है। और फिर वो सोचता है यानी आखिर दी डीमन एम्परर अपने ही हाथों मारा जाएगा, और वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो सोचने लगता है मैं होली लैंड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था, फिर मुझे दी 9 सीक्रेट रिकॉर्ड्स मिली, पर तभी ही मेरे ही स्टूडेंट ने मुझे धोखा दे दिया और फिर मैं लू फैमिली में रिबॉर्न हुआ। और उसे टियान बोल रहा होता है जाओ फान तुम किसका इंतजार कर रहे हो। एम्परर सोचता है टियान और निंग, हाँ इसीलिए तो, इसी वजह से तो मैं ये मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही वजह से, निंग को बचाने के लिए। और फिर वहाँ पर ब्लू कलर की फायर निकलने लग जाती है और उसके चारों तरफ उसे घेर लेती है। और फिर हम देखते हैं डिंग टियान अपने घर पे पहुँच जाता है और उस जगह को देखकर सोचता है ये जगह आज बहुत सूनी है, यहाँ तक कि यहाँ तो गार्ड भी नहीं है। और फिर वो अंदर जाता है और देखता है वहाँ पर दी 7th एल्डर होता है, और फिर वो उसके सामने झुक जाता है और बोलता है मुझे पता नहीं था कि दी 7th एल्डर यहाँ पर है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए मैं देर से आया। एल्डर बोलता है डिंग टियान यूमिंग वैली ने यूई फैमिली को 100 सालों से प्रोटेक्शन दे रही है, और इस बीच हमने तुम लोगों से कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया है। डिंग बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर आप नहीं होते तो आज हम इतना सफल नहीं हुए होते।
फिर एल्डर उसके पास जाकर बोलता है, ठीक है, तुम बहुत ही अच्छा बोले, मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि तुम ऐसे सोचती हो, पर तुम लोगों ने आउटसाइडर्स के साथ मिलकर यूमिंग वैली की डायमंड क्विकसैंड क्यों चुराई? तो डिंग बोलता है, एल्डर आपको कुछ गलत फहमी हो गई है, यूई फैमिली आपसे हमेशा लॉयल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने ये किया हो, और वैसे भी हम में से कोई भी ये करने की हिम्मत तक नहीं करेगा। एल्डर बोलता है, मुझे कुछ वक्त पहले यकीन ही नहीं होता कि तुम हमारी काइंडनेस का फायदा उठाकर रिवेल कर रहे हो, पर अभी मेरे पास यकीन करने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पूछता हूँ कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर निंग कहाँ है। डिंग कुछ नहीं बोल पाता, तो फिर एल्डर गुस्से से बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो दो लड़कों के साथ है जिन्होंने मेरी डायमंड क्विकसैंड को चुराया है, और वो माउंटेन ऑफ बीस्ट में मर गई। और फिर एल्डर सोचने लगता है, भले ही मैं उन लोगों को अपने हाथों से नहीं मार पाया, पर वो लोग वहां से बच नहीं पाए होंगे, और निंग मेरे बहुत ही काम की थी, पर अब उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने सैंड और लूडिंग फर्नेस दोनों को खो दिया है, और इसकी भरपाई यूई फैमिली के लोगों की जान से होगा। और फिर वो बोलता है, अब चलो उन्हें यहाँ ले आओ। और ये लोग होते हैं यूई फैमिली के लोग, और वो लोग बिल्कुल खून से नहाए हुए होते हैं। तो डिंग इसे देखकर गुस्सा हो जाता है और बोलता है, सेवेंथ एल्डर, हमने 100 सालों से आपसे लॉयल रहे हैं, और हमने क्यूइन मिंग सिटी को भी पूरी ईमानदारी से प्रोटेक्ट किया है, और ये सब हमने आपके लिए किया है, और तुम अपने सब्सिडियरी फैमिली के साथ ये कर रहे हो। तो एल्डर हंसते हुए बोलता है, तुम लोग बस कचरे से कुछ ज्यादा नहीं हो, और जब तक यूमिंग वैली चाहेगी तुम उनके लिए कुछ भी करोगे, और तुम लोग तो हमारे सब्सिडियरी फैमिली कभी थे ही नहीं, बल्कि तुम तो हमारे गार्ड डॉग हो, और हम तुम्हें जैसे ही एक हड्डी देंगे तुम हमारे लिए कुछ भी करोगे। पर अभी एक पुराना डॉग अपने मालिक से डिमांड कर रहा है, और ऐसे डॉग को खत्म कर देना चाहिए। और यहाँ डिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है, और फिर एल्डर बोलता है, लगता है डॉग अपने मालिक से लड़ना चाहता है, और अब लगता है कि डॉग बदलने का वक्त आ चुका है। फिर डिंग चिल्लाते हुए बोलता है, सेवेंथ एल्डर, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम निंग को शादी करवा के एक लूडिंग फर्नेस की तरह यूज करना चाहते थे? एल्डर बोलता है, तुम तो सच में स्मार्ट निकले, हम ये बहुत वक्त से कर रहे हैं, पर हमारी कोई भी दूसरी सब्सिडरी फैमिली ये पता नहीं लगा पाई, और इसीलिए तो तुम रिवेल कर रहे हो। तो ये सब उस नीच लड़की की वजह से हुआ है। और ये सुनते ही डिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो सीधे एल्डर पे अटैक कर देता है, और फिर वो अपने हाथ से अटैक करता है, पर अचानक से ही एल्डर उसके पीछे आ जाता है और उस पे ही अटैक कर देता है, और फिर डिंग टियान दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। और फिर एल्डर उसके पास आकर बोलता है, मैं पहले से ही हेवनली रेलम के थर्ड स्टेज में हूँ, इसलिए मेरे और तुम्हारे स्किल का डिफरेंस जमीन आसमान जितना है, और अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है ओल्ड बास्टर्ड, और चिंता मत करो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स भी तुम्हें जल्दी ही ज्वाइन करने आ रहे हैं। और डिंग सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि मेरी फैमिली का अंत ऐसे होगा, पर एक बात अच्छी हुई है कि एल्डर को लगता है कि निंग मर चुकी है, इसलिए अब वो उसका पीछा नहीं करेगा। और फिर वहां पर कोई जोर से बोलता है, रुको, और जब एल्डर देखता है वहां पर निंग खड़ी होती है, और फिर वो बोलता है, तुम मरी नहीं। फिर वो सोचने लगता है, ये कैसे हो सकता है, ये बीस्ट से कैसे बच गई, पर अच्छा ही है हमारा लूडिंग फर्नेस वापस आ गया। निंग उसे बोलती है, अगर तुम मुझसे एक फर्नेस की तरह यूज करना चाहती हो तो जल्दी से मेरी फैमिली को जाने दो, वरना मैं अपने आप को मार दूंगी। और अपने गर्दन पे एक चाकू रखी हुई होती है। एल्डर बोलता है, निंग तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रही हो। हाँ, मैंने प्लान बनाया था कि मैं तुम्हें एक फर्नेस की तरह यूज करूंगा, पर मैं तुम्हें रिप्लेस भी कर सकता हूँ, इसलिए तुम मुझसे बार्गेन करने की पोजीशन पर अभी नहीं हो। निंग बोलती है, एल्डर तुम झूठ बोल रहे हो, मैं जानती हूँ कि अभी यूमिंग वैली के पास बहुत ही कम फर्नेस है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती हूँ, और अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं अपनी फैमिली के साथ ही मर जाती हूँ। और वो चाकू से अपने आप को काटने लगती है।
और तभी ही एल्डर चिल्लाता है, रुको। निंग बोलती है, लगता है एल्डर मुझे मरने नहीं दे सकता है। एल्डर बोलता है, क्या वो लड़का भी जिंदा है? निंग बोलती है, नहीं, वो पहले ही मर चुका है, और अगर तुम उसे ढूंढोगे तो तुम्हें सिर्फ उसकी लाश मिलेगी। शायद नहीं, उसकी बॉडी तो स्पिरिट बिस्ट भी खा ली होगी। तो एल्डर बोलता है, तुम मुझे ट्रिक करने की कोशिश मत करो, वही अकेला है जिससे लड़ते हुए मुझे कठिनाई हुई थी, और यहाँ तक कि उससे लड़ाई में मुझे चोट भी लग गई थी। और लड़की, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कम समझ रहा हूँ, पर तुम अभी बहुत नासमझ हो मेरे नॉलेज को समझने के लिए। और ये सब उस लड़के ने ही तुम्हें सिखाया होगा। पर छोड़ो, इस बार तुम जीती, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली के मेंबर्स को नहीं मारूंगा। तो ये सुनकर निंग खुश हो जाती है, पर तभी ही एल्डर डिंग पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। और एल्डर बोलता है, मैंने बोला था कि मैं उनकी जान नहीं लूंगा, पर मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला था। तुम्हारा ग्रैंडफादर एक हेवेनली रेलम का मास्टर है, इसलिए मैं उसकी लिमिट चेक कर रहा था। और एक बार जब तुम यूमिंग वैली पहुंच जाओगी, मैं तुम्हारी फैमिली के लोगों को भी छोड़ दूंगा। तो निंग बोलती है, क्या तुम वादा कर रहे हो? एल्डर बोलता है, मैं उसे ट्रिक क्यों करूंगा जो मेरे लिए बहुत ही खास है। और अपने आदमियों को बोलता है, निंग को रेस्ट रूम में ले जाओ, हम कल उसे यूमिंग वैली ले जा रहे हैं। और फिर उन आदमियों में से एक बोलता है, तो तुम मास्टर का फर्नेस हो, तुम तो बहुत प्रीटी हो। और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।